अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट बाबा जी, और अज मैं पहुंचा वहाँ कश्मीर दे विच। कश्मीर दे मेरे अगर तुसी इस पासे देखते हो तो मैं कहांगा कि पौंछ सैक्टर है और पौंछ छेल ने, और अगर इस पासे देखते हो तुसी ए सारा नज़ारा जिहड़ा तुसी देख रहे हो रावला कोट सिटी का देख रहे हो। रावला कोट अगर एक पासो तुसी अगर देखो तो इस तो बाद दो डिस्ट्रिक्ट आंदियां ने, और उस तो बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिड कश्मीर जिहड़ा है वह खत्म हो जाता है, यानी कि आज़ाद कश्मीर खत्म हो जाता है। उस तो बाद इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जिहड़ा है वह आ जाता है। और यह जगह जी मैं जिस जगह पर पहुँचा वहाँ मैनू बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इन्हें एक्सप्लोर कर रहा वहाँ। यह थानू पुराने खूह के निशान नज़र आ रहे हैं, पुराना खूह है जिथे भी कोई संतां दा डेरा, जिथे भी कोई गुरद्वारा, जिथे भी कोई धर्मशाला होंदी सी, हमेशा उत्थे तुहानू खूह दे निशान भी मिलते हैं। और क्रेडिट जांदा है मेरे वीर अब्दुल्ला नूं कि वह इत्थे वैटनरी डॉक्टरिंग कर रहे हैं, तो मैं उन्होंने मिलने वास्ते आया सी, और उन्होंने मैं दस्सिया कि भी साढ़े इत्थे टॉप हिल दे उत्ते जिहड़ा एक गुरद्वारा बनया होया है। क्योंकि मैं तुहानू पहले भी दस चुकिया वहाँ पाकिस्तान दे जिहड़ियां छोटियां धर्मशाल सन लोग उन्होंने गुरद्वारा कहिंदे ने, इत्थे भी छोटी धर्मशाल है वो सामने नज़र आ रही है, स्टोन मेड है, बड़ा प्यारा आर्कीटेक्चर है, बहुत रेयर देखने चाहता है यहो जी चीज़ है। लेकिन बारिश जी जोरा जोर लगी है, और पंजाब इस वेल टेंपरेचर जरा 45 तो अबव है, और इतने जोड़ा 12 तो भी घट है, सर्दी लग रही है। आओ सर लगे हो इस जगह तो बने हुए सन कमरे, यह सारे कमरे बने हुए सन, इतों एक दो तीन कमर के जड़े ने आसार नज़र आते हैं। इतने संतां का डेरा जोड़ा वो तीन कमरे की जगह जी है वो नज़र आ रही है। फिर उस देखो जिस तरह के गुरद्वारा पूरी वाला जोड़ा 12 दरी गुरद्वारा है, वो मुतलक मैं दसिया कि वो बार भी इसे तरीके पूरी आउट कॉर्नर दी बनी हुई जी है, पहले प्लेटफॉर्म है फिर वो जोड़ा वो गुरद्वारा बनया है। धर्मशाल जी है अगर देखा जाए तो इतने का जो लोकल स्टोन है जिनके ग्रे स्टोन कहा जाता है, असं इन चकवाल स्टोन भी कहने, जेलम स्टोन भी कहने, और कश्मीर स्टोन मुख्तलिफ जिस एरिए होनू उस नाम बुलाया जाता है, लेकिन यह लोकल सैंड स्टोन है। यह देखो तुम सारी फिनिशिंग जी है सैंड स्टोन की है, लेकिन उत्ते जी है नानक शाही इट लगी हुई है। यदा मतलब है कि यह सिख पीरियड तो बाद की बिल्डिंग है या ड्यूरिंग द सिख राज दे विच बनी हुई है। हूँ यदि आइडेंटिफिकेशन जी है वो मतलब थोड़ा जिना है कि ये अंदर कोई मूर्ति स्थान नहीं है, ए अंदर कोई मूर्ति स्थान नहीं है, ये अंदर कोई भी मैं जो कह लो थड़ा साहब भी नहीं नज़र आता। इस वास्ते ए मुतलक यह कह देना कि यह मंदिर है या गुरद्वारा है, ए दोवों एक चीज़ कह लो तुम कि जिन्हों दोवों चीज़ों मिला के एक चीज़ असं कहने धर्मशाल। यह दसिया जा रहा है कि यह शहर की रावला कोट की जी है वह धर्मशाल सी, अज भी यह जगह जी धर्मशाला के नाम तो ही जानी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान अंदर संतान का डेरा दासी पंथ डेरे जड़े ने जिन्हों के मुतलक मैं अक्सर गल करता हाँ कि दासी पंथ डेरे ने और नाथपंथी डेरे ने, तो यह मैनू कुछ जी धर्मशाला है ये जिस तरह मैं उदासियां का डेरा या नाथपंथियों का डेरा जोड़ा मैं वो लगता है। लेकिन दसिया जा रहा है लोग कहते हैं कि भी इस जगह गुरुद्वारा भी कहा जाता है, लेकिन बाहर अगर वो कमरे देखे जाए फिर तो ठीक है सुखासन के तौर पर तो जगह इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अगर तुम कंप्लीटली उन्होंने गुरुद्वारा कहोगे तो वो शायद वो ना हो सके। लेकिन उही गल है कि यह पुरानी धर्मशाल है, पुरानी धर्मशाल जी है वो मुतलक असं कह सकते हैं कि अगर यदा टनेर देखो तो 1700 AD तो बाद जो कॉन्सट्रक्शन होने वाले जोड़े आर्कीटेक्चर ने यह उन्होंने आता है, तो मैं आओ तो उन्होंने बार तो जोड़ा ना मैं मुकम्मल तौर पर तो एक तो पूरे शहर की जी मैं तुम दसिया पहले भी कश्मीर के जिन्हें भी मैं टैंपल या गुरुद्वारे मिले ने वो पीक ऑफ जी कोई भी हिल है वो उत्ते है, तो सेम तर ऐसे तरह ही यह भी जगह तुम देखो तो तुम पीक के उत्ते नज़र आती है, बिल्कुल पूरे शहर की चोटी है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। कभी इतने बड़ा प्यारा मंजर आता होगा क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म एक पूरी कट के पहाड़ी जोड़ा है वह बनाया गया है। आर्कीटेक्चर तुम देखो सेम लाइक स्टूपा,
जिस तरह होंगे उस तरीके ने बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सारा मिलता पाया है। गुरुद्वारा उस्मान खट्टर पंजा साहिब के रस्ते जाद्या हो टैक्सला तो जोड़ा शॉर्टकट रस्ता हों जीटी रोड का, जिंद मैं एक बार गल की कि जिद नाम से 20 एकड़ लैंड जी अज भी बोलती है, तो सेम आर्कीटैक्चर उस तरह का, लेकिन वो अंदर सत दर जोड़े सन जोत जगा वाले सन और अठवा दर जरा दरवाज़ा से लेकर रहते, अंदर कोई जोत जगा की भी जगह नहीं है। लिहाजा लोकल पीपल सेस कि इट्स धर्मशाल। यह तुम देखो कि पूरे शहर का तुम व्यू कर सकते हो कि यह रबला कोट शहर जड़ा इतों तुम नज़र आता है, पीक ऑफ यू बिलोंग। चारों पास लश ग्रीन कश्मीर है और सेंटर दे विच ये जगह जड़ी है हमेशा तो फोकस पॉइंट जड़ा है या फोकल पॉइंट जड़ा है वो रखा गया आर्कीटेक्चर का। मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट बाबा जी और तुम देख रहे हो रावला कोट के अंदर एक धर्मशाल, तारीखी धर्मशाल जिहदा मैं कदी नहीं किसी भी बुक दे विच भी नहीं पढ़िया, किसी रेफरेंस भी नहीं पढ़िया, और मे बी इंडिया साइड तो किसी अकाउंट के मौजूद हो, लेकिन पाकिस्तान साइड के उत्ते साढ़े को रिसर्चर्स कोई अकाउंट मौजूद नहीं है। और देखते रहो तुम सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान।